अब मैं देखिए मुशायरा बहुत अच्छी तरह चल रहा है और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैंने जिन शायरों को बुलाया उन्होंने आपको मायूस नहीं किया और हमने मुशायरे से अलग हटकर शायर बुलाए और मुझे डर लग रहा था बहुत कि कहीं ये ना हो खुदा ना खास्ता कि मुशायरा कामयाब ना हो क्योंकि दो चार ठुमके वाले जब तक ना हो तो मुशायरा कामयाब नहीं होता है आमतौर से। लेकिन हमने एक तजुर्बा किया है और एक संजीदा शायरी आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि ये मुशायरा अपने आप में यादगारी मुशायरा होगा और तकदीम ताखीर का भी ख्याल यह नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसा मैं जिसको समझ रहा हूं वहां पर वो जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आइए एक बुजुर्ग शायर को ज़हमत देते हैं। बुजुर्ग वैसे सूरतन लगते हैं लेकिन है नहीं वो, शेर आप जब सुनेंगे उनके तो बहुत ही जवानी से भरे अशार होते हैं उनके। मेरी मुराद है जनाब हैदर जहरी साहब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ही मशहूर वकील हैं और जस्टिस कार्जू के बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। जनाब हैदर जहरी साहब अभी तक आप आज गजलें सुन रहे थे, अगर इजाजत हो तो मैं छोटी छोटी नजमें को सुना। एक नज्म गालिब की नजर है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि अदब के कसर का बेमार आजम यानी वो गालिब के जिसका तायर फिक्रो तखयल रफअत परवाज की मेराज पर फायज जो छूता था सुरैया को कभी मिर्रीख को माहो वतारिफ को जो छूता था सुरैया को कभी मिर्रीख को माहो वतारिफ को जो खुश होता था अपनी राह के कांटों के नश्तर से वो फन शायरी के मैकदे का ऐसा साथी था पिलाई लफ्ज के सागर में सहबा जिसने मानी की पिलाई लफ्ज के सागर में सहबा जिसने मानी की गजल की जुल्फे बरहम को किया रास्ता जिसने सुनाकर अनगिनत शेरों की शहनाई का साजे दिल नशी आखिर फजाए गुलशन उर्दू को बेखुद कर दिया जिसने अजब अंदाज था तर्ज तकल्लुम कितना दिलकश था कि हर हर बात में उसके नई एक बात होती थी कि हर हर बात में उसके नई एक बात होती थी कलम से उसके हर दम फिक्र की बरसात होती थी तसद्दुक हरकते नोके कलम के जुम्बिशे लब के तसद्दुक जिद्दते अफकार के और नुदरते फन के खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी उस जवां जवलां गदाए बेसरो पा में हमारे वास्ते वो शायर लासानियो यक्ता यकीनन है अमीरे का रवाने फिक्र फन अब भी।